नमस्कार, SBN9 न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव और स्वार और 96 विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं और चुनाव के बीच में जो धांधलीबाजी देखी जाती है, जो फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव देखे जाते हैं। चुनाव आयोग पर भी कई सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव ने अपना आवाज बुलंद की थी। अखिलेश यादव की बात की जाए तो यहाँ पर चुनाव आयोग को वो जांच के आदेश देते हैं कि चुनाव आयोग इस EVM गड़बड़ी को लेकर कोई भी एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग को होना चाहिए, लेकिन स्वतंत्र रूप से वो काम नहीं कर रही, इसलिए योगी और मोदी के इशारों पर चुनाव आयोग यहाँ पर अपना कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पर अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आया। एक ट्वीट में उन्होंने चुनाव आयोग से बड़ी मांग की है। ये ट्वीट आपको स्क्रीन पर जरूर दिख जाएगा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आशा है चुनाव आयोग हर एक राउंड के बाद आंकड़े बताएगा, जिससे जन विश्वास बना रहेगा। यानी कि साफ तौर पर जाहिर है कि उन्होंने कहा है कि इस नतीजों पर यहाँ पर जो वोटिंग के दौरान जो भी फर्जीवाड़ा देखा गया है, वो फर्जीवाड़ा काउंटिंग के दौरान ना देखा जाए और चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से यहाँ पर काउंटिंग करवाएगा और यहाँ पर सटीक फैसला सुनाएगा। जो काम उनका है उसके जरिए वो देखे जाएंगे, जिसके बदौलत यहाँ पर जनता का विश्वास, तमाम पार्टियों का विश्वास आप पर ही बना रहेगा। ऐसी तमाम बातें अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर हिंदुत्व का कार्ड वो खेल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो चुनाव आयोग का सहारा ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो EVM में गड़बड़ी देखी जा रही है, तो ऐसे में सवालिया निशान उन पर खड़े होते हैं, चुनाव आयोग पर खड़े होते हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया के जरिए यहाँ पर साफ तौर पर ये कह दिया है कि इन तमाम नतीजों पर भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो चुनाव आयोग में इसमें सबसे बड़ा हाथ देखा जाएगा।